पता चलेगा। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ मेथड एंड आवर फोर्थ मेथड इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन जिसकी हिंदी होती है पुनर्योजन, ठीक है, इट इज नोन एज पुनर्योजन, यानी कि दोबारा से बनना, दोबारा से निर्मित हो जाना। तो आप फ्रैगमेंटेशन में भी यही देख रहे थे कि दोबारा से रिफॉर्म हो रहा था, लेकिन फ्रैगमेंटेशन में दोबारा से रिफॉर्म हो रहा था दैट वाज अ नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन वो एक कुदरती तरीका है उनके रिप्रोड्यूस होने का। लेकिन रीजनरेशन में एक्सीडेंटल कट, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट कट हो गया किसी एक्सीडेंट, किसी इंजरी की वजह से, तो वो पार्ट दोबारा से फॉर्म कर जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है प्लैनेरिया इसका। प्लैनेरिया में अगर बॉडी को हम कट कर दें, प्लैनेरिया की बॉडी को एक्सीडेंटली हम कट कर दें, या फिर उससे हमें उसका ग्रोथ देखना है, तो वो कटिंग के बाद वो काफ़ी सारे नए सेल्स बनाएगा। जैसे स्टारफिश फॉर एग्जांपल, एक स्टारफिश जो होती है, स्टारफिश में ये आपको 5 साइड्स दिख रहे हैं इसके, अगर ये एक्सीडेंटली कट हो गया, ठीक है, कट होने के बाद ये पार्ट यहाँ से हट गया, तो ये दोबारा से फिर से रिफॉर्म एक पार्ट हो जाएगा, दिस इज़ रीजनरेशन। ऐसा नहीं है कि सब पार्ट को कट करना होगा तब जाकर फिर से नया बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई एक पार्ट भी कट हो जाता है तो वो दोबारा रिफॉर्म कर जाता है। बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूँ तो लिजार्ड, जो घर में होम लिजर्ड जो होती हैं, वो लिजर्ड्स के टेल जो होते हैं कट हो जाते हैं तो वो रीफॉर्म कर जाते हैं, दैट इज रीजनरेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग करेंगे डिफाइन। इन दिस प्रोसेस एनी एक्सीडेंटल इंजरी, कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी जो है, कैन रीफॉर्म द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को रीफॉर्म कर देगी अगर कोई भी छोटी से छोटी एक्सटर्नल इंजरी होगी तो। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ स्पेशल स्पेसीज हैं जिनमें ये पाया जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो प्लैनेरिया, जो एग्जाम में एनसीईआरटी से रिलेट किया गया एग्जाम्पल है वो है प्लैनेरिया। वीवीआई वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि रीजनरेशन किस में होगा, तो आप प्लैनेरिया कह सकते हैं कि प्लैनेरिया में रीजनरेशन होती है। उसके बाद अगर कॉमनली हमें देखा जाए तो लीजर्ड, स्टारफिश, ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इन दोनों का उतना ज़्यादा क्वेश्चनिंग उनसे नहीं होती जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस में प्लैनेरिया आता है। तो हम लोग डायग्राम करेंगे प्लैनेरिया से रिलेटेड कि कैसे प्लैनेरिया में रीजनरेशन कंप्लीट होता है। ओके, लेट्स कम टू द डायग्राम पार्ट। तो देखिए हमारा ये जो रीजनरेशन होता है प्लैनेरिया में, प्लैनेरिया कुछ इस तरह से एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दिस इज द बॉडी ऑफ प्लैनेरिया, ठीक है। ये प्लैनेरिया जो होते हैं, अगर इनको मैं 3 पार्ट में ले लूं तो दिस इज द हेड, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द टेल पार्ट, ठीक है। तो अगर ये कट हो जाते हैं 3 अलग अलग सेक्शंस में, सपोज द हेड पार्ट इज ब्रोकन, ये किसी एक्सीडेंटल इंजरी से कट गए तो हेड पार्ट हो गया, ये इनका बॉडी पार्ट हो गया और ये इनका टेल पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं, तो ये देखिए सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद अगला स्टेप क्या है कि ये वापस से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। देखिए ये जो प्लैनेरिया है ये वापस से कंप्लीट प्लैनेरिया में बन गया, ये आपने बॉडी को डिटैच किया था, अब इसकी बॉडी जो होगी ये वापस से इसमें इसका हेड पार्ट और टेल पार्ट फॉर्म कर जाएगा। उसी तरह से हमें 3 नए प्लैनेरिया जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारे डॉटर सेल्स, ठीक है, दीज आर आवर डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, समझने वाली जो बात है वो ये है कि रीजनरेशन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें दोबारा से कोई चीज़ बनने की कैपेसिटी होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कुछ पार्ट अगर डैमेज हो जाएं तो वो रीफॉर्म कर जाते हैं, ठीक है। और
उसके लिए इनकी बॉडी किसी एक्सीडेंट या किसी इंजूरी से कट हो रही है तो ही रिजनरेशन वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से करके हमने हमारा रिजनरेशन कंप्लीट किया। तो फ्रैगमेंटेशन वाज द थर्ड प्रोसेस, जो कि आपको स्पायरोगायरा याद रखना है एग्जाम्पल। उसके बाद रिजनरेशन, जो कि आपको याद रखना है कि आपके प्लानेरिया में होता है। तो दिस वॉज द एग्जाम्पल एंड दिस इज द फिगर ऑफ प्लानेरिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर हमें आगे देखना होगा, जैसे कि अभी तक हमने फीशन पढ़ लिया, बडिंग पढ़ लिया, फ्रैगमेंटेशन पढ़ लिया, रीजनरेशन पढ़ लिया, दो स्टेप्स और बाकी हैं, दैट इज स्पोरुलेशन एंड गेमा फॉर्मेशन। ओके, नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि प्रोसेस नंबर है 5 एंड इट इज स्पोरुलेशन। इट इज स्पोरुलेशन, ठीक है। स्पोरुलेशन कैसे होता है? स्पोरुलेशन की अगर हिंदी में बताऊं आपको तो इसकी हिंदी होती है बीजाणु निर्माण, यानी कि बीजाणु इसमें बनते हैं, ठीक है। बीजाणु निर्माण इज नोन एज स्पोरुलेशन, इज नोन एज बीजाणु का निर्माण होना, यानी कि इसमें बीजाणु फॉर्म करते हैं। अब देखिए, आप स्पोरुलेशन को मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। कैसे पढ़ाया आपको? आपको याद होगा कि हम लोग फंगस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको मोटाइल स्पोर्ट्स और नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको रिमेम्बर करनी है कि बस इसका डेफिनेशन बहुत छोटा सा है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है? स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, इसमें स्पोर्स बनेंगे। अब सवाल उठता है कि स्पोर्स जो बनेंगे वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो आपको एक शॉर्ट अगर एक कॉन्सेप्ट मैं दूं, विथ डायग्राम वी विल गो, तो यहाँ पे हम आपको एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि स्पोर्ट्स को आपको मेनली कौन से स्पोर्ट्स याद रखने हैं। तो अगर स्पोर्ट्स की बात मैं करूं, तो स्पोर्ट्स पे नंबर 1 आपको याद रखना है जू स्पोर्ट्स। जू स्पोर्ट्स जो कि मोटाइल होते हैं, यानी कि गतिशील होते हैं, ये गति करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल्स में आपको क्लमाइडोमोनस याद रखना है। क्लमाइडोमोनस इज द एग्जाम्पल। जब इनकी बॉडी को हम देखेंगे तो इस तरह से क्लमाइडोमोनस होते हैं, इनके अंदर में ऐसा सेल प्रेजेंट होते हैं और ये इस तरह से एक एक करके सेल वॉल टूटता है और एक एक करके ऐसे ये क्लमाइडोमोनस बाहर रिलीज हो जाते हैं और नए नए सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो क्लमाइडोमोनस जो होता है, ये एक एग्जाम्पल हुआ हमारे जू स्पोर्ट्स का। तो पहला टाइप का स्पोर होता है हमारा जू स्पोर, ठीक है। अब हम सेकेंड टाइप के स्पोर्ट्स की बात करें, दैट इज ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर जो होता है, ये होता है नॉन मोटाइल, ठीक है। ये नॉन मोटाइल होता है और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो फंगस फैमिली से है, दैट इज पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम के अंदर में ये हमारे ए प्लानोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और देखिए, अगर डायग्राम ऐसे, आपको पहले भी ये डायग्राम मिल चुके हैं, देयर आर सम सेल्स प्रेजेंट ओवर हियर एंड कुछ इस तरह से हमने हमारे फंगस टॉपिक में इसको पढ़ा था। दिस इज एंड दीज आर द स्पोर्स, और इनके जो स्पोर्स होते हैं, इन स्पोर्स को हम कहते हैं कोइनिडिया। दीज आर कोइनिडिया एंड दिस इज द कोइनिडोफोर, कोइनिडोफोर। और इसके ऊपर में ये जो आप देख रहे हैं प्लानोस्पोर, दीज आर द कोइनिडिया प्रेजेंट।
तो ये क्विनिडिया के जरिए ही इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्विनिडिया जो होते हैं वो वापस से क्विनिडिया 4 फॉर्म करते हैं और इनके अंदर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्ट्स में दो तरह के स्पोर्ट्स, जू स्पोर्ट्स और एप्लानो स्पोर्ट्स आपको याद रखने हैं। वन इज मोटाइल एंड अदर इज नॉन मोटाइल। पेनिसिलियम और क्लामाइडोमोनस आर द बेस्ट एग्जांपल्स। ठीक है, और ये हो गया इसका डायग्राम। डायग्राम जस्ट एज अ रेफरेंस ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस तरह से पेनिसिलियम में क्विनिडिया फॉर्म होता है और हमारे क्लामाइडोमोनस जो होते हैं उनके जू स्पोर्ट्स अलग अलग सेल वॉल टूटकर बिखर जाते हैं और वो एक नया कंप्लीट फॉर्म कर देते हैं, एक नई पैरेंट बॉडी को बनाते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, इफ यू आर कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, दैट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज नोन एज गेमा फॉर्मेशन। ठीक है, गेमा कप, इसके बारे में भी 11th के डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी में चर्चा हुई है, लेकिन आप यहाँ पे एक बार फिर से देखें, दिस इज द 6th मेथड, दैट इज गेमा कप या गेमा फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये ब्रायोफाइट्स में एक स्पेशली देखने के लिए मिलता है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं हमारे, ब्रायोफाइट्स में ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम गेमा कप कहते हैं और ये कप लाइक बॉडी होती है। इसके अंदर छोटे छोटे गेम्यूल्स होते हैं जो गेम्यूल्स रिप्रोड्यूस करते हैं और गेमा फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो लीवर वोट्स में एक फैमिली दैट इज मर्कंशिया, ये बेस्ट एग्जांपल होगा हमारे गेमा कप का। तो गेमा कप के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर गेमा कप, तो इट इज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है जो कप शेप का होता है और इसको इसी के जरिया रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है। तो लेट्स हैव अ डायग्राम ऑफ मर्कंशिया। अगर एक मर्कंशिया का एक रफ स्केच देखें हम, तो दिस इज द एपिकल रीज और इसमें कुछ इस तरह से छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, गेमा कप कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं एक्सिस पर, दिस इज नोन एज एपिकल नॉच जंक्शन, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है चूंकि ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होता है, दैट इज नोन एज राइजोइड्स, दिस इज राइजोइड्स। अब देखिए ये जो गेमा कप हमने बनाया है, ये गेमा कप को जब हमने इलोंगेट किया तो ये एक कुछ इस तरह से एक बॉडी की तरह, एक कप लाइक, एक फ्लास्क लाइक बॉडी की तरह देखा गया और इसके अंदर कई सारे गेम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कई सारे छोटे छोटे, दीज आर द सेंट्रल क्लोरोप्लास्ट, ये इनके क्लोरोप्लास्ट हो गए और इसमें कई छोटे छोटे गेम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और दिस इज द सेल वॉल, ये सेल वॉल हो गई और यही गेम्यूल्स बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होकर एक न्यू सेल फॉर्म करते हैं, दिस फॉर्म्स न्यू सेल्स। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे कि ये जो छोटा सा गेमा कप है, ये एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लैटेंड बॉडी होती है और इसके अंदर काफ़ी सारे गेम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये गेम्यूल्स जो होते हैं, इसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है जो इसके नरिशमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड फॉर्म करने के लिए, और साथ ही ये गेम्यूल्स धीरे धीरे रिलीज होकर नए बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो गेमा कप, ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन उन टाइप्स में आप जब पीछे के वीडियोस को देखेंगे तो एसेक्सुअल मोड में ही आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी अगली टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, क्योंकि इस वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगी उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेगी, और अगर आपको बेहतर लगे तो आप अपने सजेशंस भी मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, और आपको इसकी नोट्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब जहाँ पे होता है वहाँ पे मिल सकती है, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो आप